हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ की एक्सरसाइज 20 मल्टीपल्स एंड एलसीएम इसके बारे में समझेंगे। इनसे पहले हमने पढ़ा था फैक्टर और एचसीएफ के बारे में समझा था, आज हम मल्टीपल्स और एलसीएम के बारे में समझेंगे। तो देखिए, इसे समझने से पहले हम एक चीज़ आपको बताते हैं कि मल्टीपल्स होते क्या हैं, ठीक है ना। व्हेन ए नंबर डिवाइड्स अनोदर नंबर एग्जैक्टली, ठीक है ना, यानी कि कोई नंबर से वो दूसरे नंबर से बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, देन द डिवाइडेंड इज कॉल्ड ए मल्टीपल ऑफ द डिवीज, ठीक है। यानी कि एक आपको कोई नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें डिवाइड करना है 8 को, करना है 2 से, ठीक है। तो ये 2 4 8 यानी कि पूरा डिवाइड ये हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, फैक्टर तो हो गया ये 2 हमारा जो हमने कल समझा था, और जो ये 8 है ये हमारा जो डिवाइडेंड है यही हमारा क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ये मल्टीपल होगा। कहने का मतलब ये है कि जो 8 है ये 2 की टेबल में आता है, ठीक है ना। 8 जो है, जब हम 2 की टेबल को रिवाइज़ करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये 2 की टेबल में 8 आता है। तो इसका मतलब जो भी 2 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सभी 2 के क्या हुए, मल्टीपल हुए। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8, है ना, 2 5 10, 2 6 12, 2 6 14, सॉरी 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, और ऐसे ही 22 24, ये सभी क्या हैं, इसके मल्टीपल हैं, किसके, 2 के, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, 3 के जैसे हम मल्टीपल लिखते हैं, कोई क्वेश्चन है, एक मान लो हमारे पास में यहाँ पर है 9 को हमें डिवाइड करना है 3 से, ठीक है ना। तो ये 9 जो है 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 3 3 9, ठीक है। तो यानी कि ये 9 क्या हुआ, 9 जो है वो 3 का मल्टीपल हुआ, ठीक है। तो ये 3 की टेबल में जितने भी वो आते हैं, नंबर आते हैं, जैसे कि 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 24 27, और 30 33। तो ये सभी क्या हैं, ये 3 के मल्टीपल हैं जितने भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मल्टीपल क्या होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल हमें दिया हुआ है, इज़ 1378 ए मल्टीपल ऑफ 13, ठीक है ना। ये हमें पूछा है कि क्या जो 1378 है ये मल्टीपल है 13 का या नहीं है, तो ये हमें बताना है। तो करना क्या है, हमें सिंपली हमें 1378 को 13 से डिवाइड कर देना है। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये मल्टीपल है 13 का, और 13 क्या हुआ, इसका फैक्टर हुआ, ठीक है ना। तो देखिए, कर लेते हैं, 13 1 13, 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, 1 7 क्रॉस हो जाएगा, ऊपर से उतारेंगे हम 7, ठीक है, 7 13 से डिवाइड होगा नहीं, ना जाने की यहाँ पर लगाएंगे हम 0, ऊपर से उतारेंगे फिर हम 8 को, 13 की टेबल पढ़ेंगे हम कहाँ तक, 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, ऐसे ही 13 6 हो जाएगा 78, ठीक है ना। 13 6 कितना हो जाएगा, 78। तो यहाँ से 8 से 8 क्रॉस हो जाएगा, 7 से 7 क्रॉस, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो गया है, कोई रिमाइंडर हमारे पास में नहीं बचा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो 1378 जो नंबर है ये 13 का क्या है, मल्टीपल है। यानी कि ये 13 की टेबल को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ये 106 नंबर पर ये हमें जो नंबर है ये मिलता है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर कुछ हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स दिए हुए हैं, इन्हें हम रिवाइज़ कर लेते हैं। एवरी नॉन ज़ीरो नंबर हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स, यानी कि जो नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं, ठीक है ना, उनमें क्या होता है, उनके जो नंबर होते हैं, जो मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है ना, वो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है ना। एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हमें मल्टीपल ऑफ 10 का दिया हुआ है, 10 20 30 40, और ये 100 110 120, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना, इसकी कोई लिमिटेड काउंटिंग नहीं है, अनलिमिटेड ये नंबर हमारे चलते रहेंगे। तो इसका मतलब अनलिमिटेड इसमें मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है, 2 4 3 6 8 9 10, कोई भी नंबर हमारा हो सकता है जिसके हमें मल्टीपल लिखना है।
उसके बाद देखिए दूसरा है इसमें एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ वन, यानी कि वन का जो है हर एक मल्टीपल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वी नो दैट वन इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि जो वन है वो सब किसी नंबर का, हर एक नंबर का फैक्टर है, ठीक है ना। इसलिए जो वन के मल्टीपल हर एक नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 100, 101, 102, 1000, 10,000, 4, ठीक है ना, 100,000, तो ये सभी क्या हैं, वन के मल्टीपल हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है देखिए, एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, यानी कि वो जो कोई भी नंबर है, नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो अपने आप में भी खुद का मल्टीपल होता है। जैसे कि 6 1 6, ये क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया है अपने आप से वन, ठीक है ना, तो ये 6 जो है ये खुद में भी अपना क्या है, एक मल्टीपल है। जैसे कि 23 1 23, तो ये 23 क्या है, 23 का ही मल्टीपल है। ऐसे ही 105 into 1, तो यहाँ पर 105 आ गया, यानी कि ये भी क्या है, अपना खुद का मल्टीपल है। और उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं, नंबर 4, 0 इज़ ए मल्टीपल ऑफ एवरी नॉन ज़ीरो नंबर, यानी कि 0 जो है क्या है, वो हर एक नॉन ज़ीरो नंबर का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी नॉन ज़ीरो नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ 0, यानी कि 0 के जो नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं वो 0 के हर एक 0 का क्या होता है, फैक्टर होता है। इसके बाद है एवरी मल्टीपल्स ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर इज़ आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है कि जो मल्टीपल होंगे वो मल्टीपल या तो उस नंबर के बराबर होंगे या फिर उससे बड़े होंगे, उससे कम नहीं हो सकते, ठीक है ना। जैसे कि 5 के अगर हमें मल्टीपल देखने हैं यहाँ पर 5 का, तो 5 से कम नहीं हो सकता, यानी कि 4, 3, 2, 1 ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इसके बराबर, यानी कि 5 हो सकता है खुद अपने आप में, या इससे आगे 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है ना, ये सभी क्या हैं, इसके मल्टीपल होंगे। उसके बाद देखिए लास्ट जो प्रॉपर्टीज़ का रूल है वो है द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट मल्टीपल ऑफ नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ, यानी कि 9 का मल्टीपल वो खुद 9 होगा, 23 का मल्टीपल इज खुद 23 होगा। उसके बाद देखिए हम आगे समझते हैं, देखिए जैसे कि हमें यहाँ पर एक नंबर है 6 और एक नंबर हो गया 8 हो गया, ठीक है ना, 6 और 8 हो गया। अब हमें यहाँ पर इन दोनों के अगर हम मल्टीपल लिखें तो देखिए 6 के मल्टीपल हो जाते हैं 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। ये इस तरीके से चलते रहेंगे। अगर हम 8 की जो है मल्टीपल यहाँ पर लिखें तो देखिए 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 5 48, 8 6 48, 8 7 50, 6 8 8 64। इस तरीके से ये जो है हमारे नंबर चलते रहेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम इनमें एक चीज़ कॉमन देखें कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 6 की टेबल में भी आ रहे हैं और 8 की टेबल में भी, यानी कि वो 6 के भी मल्टीपल हो गए और 8 के भी मल्टीपल, तो देखिए 6 नहीं है यहाँ पर, 6 है ये 8 है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, ये 12 है, ये 16 है, ये भी नहीं है, ये 18 है, ये 24 है, ठीक है ना, 18 इसमें नहीं आ रहा है, 24 देखिए 24 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी कि ये दोनों कॉमन मल्टीपल हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 32 है, यहाँ 40 है, 36 है, 48 है, 48 इसमें है, ये रहा, ठीक है ना, इसमें 48 यहाँ पर है, इसमें भी 48 यहाँ पर है गया इसमें, है ना, तो ये दोनों भी क्या है, कॉमन मल्टीपल हैं। और इसमें 56, 64 आगे देखिए, अगर हम आगे देखें 6 8 48, 6 9 54, 6 10, 60, यहाँ तक हमने लिख लिया है। अब देखिए 6 की टेबल में यहाँ पर 56 आ रहा है, 64 आ रहा है और ये 54, 60, यानी कि ये कहीं पर भी मैच आगे नहीं हो रहे हैं। 24 और 48 जो ये दोनों हैं ये कॉमन मल्टीपल यहाँ पर निकल कर आए, यानी कि ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो 6 की टेबल में भी हैं और 8 की टेबल में भी हैं, ठीक है ना। 24 जो हैं और 48 हैं, ये दोनों इन दोनों की टेबल में आ रहे हैं ये दोनों नंबर, यानी कि ये दोनों जो हैं वो कॉमन मल्टीपल हुए, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें कि इनमें सबसे जो छोटा नंबर है वो कौन सा है,
ठीक है ना। तो इनमें सबसे छोटा नंबर इन दोनों में 24 और 48 में कौन सा हुआ, सबसे छोटा नंबर जो है वो 24 हुआ, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। यानी कि सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है उसे हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, जिसे हम LCM भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? LCM कह देते हैं, ठीक है ना। तो एक और देखते हैं हम, एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द LCM ऑफ 9 and 12, फाइंड द LCM ऑफ 9 and 12, ठीक है ना। फाइंड द LCM ऑफ 9 and 12, यानी कि 9 और 12 का हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। तो हमें इनका सिंपली 9 की हमें टेबल का पता होना चाहिए कि 9 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं। तो देखिए 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, ठीक है ना, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90, यहाँ तक हमने लिख लिया है। और ये 12 की टेबल हो गई, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 120, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने लिख ली है। अब इनमें देखिए हमें क्या बताना है, इसमें इनका LCM बताना है, ठीक है ना। 9 एंड 12 का हम LCM बताना है, यानी कि एक ऐसा कॉमन नंबर हमें ढूंढना है, कॉमन मल्टीपल इसमें ढूंढना है इन दोनों टेबलों में, जो कि सबसे जो दोनों टेबल में आ रहा हो और जो सबसे छोटा हो, ठीक है ना। देख लीजिए इसमें 9 है, 12 है, 18 इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, 27 इसमें है नहीं है, 36 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें यहाँ पर यही मिल गया है कि 36 जो है वो यहाँ पर भी आ रहा है स्टार्टिंग में 9 की टेबल में, और 12 की टेबल में भी 36 आ रहा है। तो ये 36 जो है यही हमारा क्या हुआ, LCM हुआ, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एक हमें क्वेश्चन और दिया हुआ है, फाइंड द LCM ऑफ 2, 3 and 4, ठीक है ना। तो इसमें भी हमें सेम वही तरीका करना है कि इनका जो है सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो बताना है कि इनका सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM कौन सा है, जो कि 2 की, 3 की और 4 की टेबल में भी आता हो और जो सबसे छोटा नंबर हो, ठीक है ना। तो देखिए आप तरीका यही है कि आप इन चाहे तो आप इनकी टेबल लिख लीजिए, ठीक है ना। ये एक सिंपल तरीका है, 2 की टेबल आपने लिख ली, 2 4 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, यहाँ तक हम लिख लेते हैं, हो सकता है हमारा यहीं तक ही सॉल्व हो जाए। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, और 4 की टेबल लिख लेते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। अब इनमें देख लीजिए कि यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो 2, 3, 4 ये तो हो नहीं सकते, 4 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, 6 इसमें तो आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन क्या इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो ये 6 नहीं हो सकता। उसके बाद 8 को देखिए, 8 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में 10 को देख लीजिए, 10 को देखिए, 10 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 12 को देखिए, 12 इसमें है, इसमें है और इसमें भी है, है ना। तो इसका मतलब 12 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये जो 12 है हमारा, यही हमारा LCM हुआ, ठीक है ना, यही हमारा LCM हुआ। तो देखिए ये तो है एक सिंपल मेथड, ठीक है ना। एक और तरीका है आपके लिए आसान है, वो कि हमें 2, 3 और 4 का हमें LCM बताना है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है कि पहले वो दो कॉमन नंबर ले लीजिए जो जिनसे वो ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, कोई भी एक नंबर, जैसे कि 2 और 4 हैं, अगर हम इन्हें 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बड़े ही आराम से डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 पे चला जाएगा, 2 1 2, 3 होगा नहीं तो 3 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, और फिर 4 को सॉल्व करते हैं, यानी कि 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है ना। तो देखिए 2 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो 4 है ये 2 पर जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन हमारा आएगा वो 2 आएगा, 2 2 4, है ना। तो अब देखिए अब आगे ये डिवाइड हो नहीं सकते क्योंकि
इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, थ्री अलग है, वन अलग है, टू अलग है, ठीक है ना, तीनों अलग अलग हैं। तो अब इनको आप क्या लिख करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, टू इंटू वन इंटू थ्री इंटू टू, ठीक है, ये हमारा आया है टू इंटू वन इंटू थ्री इंटू टू। इनको सबको आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये नंबर आपको नहीं लेना है, ये आपको लेना है, ठीक है ना। तो अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद में जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व। पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, टू वन जा टू आता है, फिर टू को इंटू करेंगे आप थ्री से, टू थ्री जा होता है सिक्स, ठीक है ना। अब सिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे टू से, ठीक है ना, यहाँ तक हमारा हो गया। अब सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप टू से, तो ये आ जाएगा हमारा ट्वेल्व। तो वही ट्वेल्व हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अब देखिए बेटा, ये हमारी एक्सरसाइज जो 20 है, इसके कुछ क्वेश्चन हैं, ये आपको रिवाइज करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें बताना है इस 72 ए मल्टीपल ऑफ 12, यानी कि 12 का मल्टीपल है 72 या नहीं है, इसका बताना है। तो आपको सिंपली इनकी डिवाइड करना है और पता लग जाएगा, ठीक है ना। ये सारे जो क्वेश्चन हैं इसी तरीके से होंगे। राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 9, यानी कि स्टार्टिंग के जो 10 मल्टीपल्स हैं 9 के वो लिखने हैं, यानी कि 9 की हमें टेबल लिखनी है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद राइट द फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 16, यानी कि 16 के आपको 9 मल्टीपल्स तक लिखने हैं, यानी कि 10 से एक नंबर पहले तक, यानी कि 69 जा कितने होते हैं, यहाँ तक आपको ये करना है। उसके बाद राइट द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 23, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर एग्जामाइन वेदर 591 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 7, तो इसका आपको सिंपली करना है 591 को 7 से डिवाइड करना है। अगर ये पूरा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये 7 का मल्टीपल है, ठीक है ना। उसके बाद इसका पूछा है शो दैट 192 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 6, तो इसका भी आपको सिंपली डिवाइड करना है और पता लगाना है, ठीक है ना। तो ये आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपको सभी को रिवाइज़ करने हैं और अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू सो मच।